नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक विपिन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल यूज़ करते समय आपके मोबाइल स्क्रीन पे बार बार आड़ आने लगता है, जैसे आपको ज़्यादा इरिटेट फील होने लगता है। दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन के आड़ को कैसे बंद करें, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड एप्लीकेशन रिव्यू रिलेटेड वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, मोबाइल पर आके सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स का डैशबोर्ड विजिबल हो रहा है। टॉप में जहाँ पे क्रॉसर ब्लिंकिंग हो रहा है, हमको यहाँ पे लिख लेना है DNS। दोस्तों, DNS लिखने के बाद यहाँ पे बॉटम में प्राइवेट DNS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्राइवेट DNS का ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको प्राइवेट DNS में सिलेक्ट करके यहाँ पे दोस्तों पहले से ये ऑटोमेटिक होगा। तो बॉटम में जहाँ पे लिखा है प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, उसके लेफ्ट में जो टगल बटन है हम उसको सिलेक्ट करके देन यहाँ पे एक बार आपके सामने विजिबल हो रहा है। हमको यहाँ पे बार में हमको जहाँ पे क्रॉसर ब्लिंकिंग हो रहा है, हमको यहाँ पे मेंशन कर लेना है dns.artguard.com लिख के देन बॉटम राइट कॉर्नर में सेव में क्लिक कर लेना है। दोस्तों, आपके मोबाइल में जो भी आड आता है वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, आपको आड विजिबल नहीं होगा। जब भी आप कोई भी शॉपिंग साइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए देखते हैं, उसके बाद आपको उसी रिलेटेड आड आपके मोबाइल स्क्रीन पे आने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे dns.artguard.com लिखने के बाद बॉटम में सेव में हम क्लिक कर लेते हैं। मैं आपको प्रूफ के तौर पे आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आड ब्लॉक हो चुका है। यहाँ से हम बैक चलते हैं दोस्तों, तो मोबाइल पे आके क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक वेबसाइट ओपन किया हूँ। यहाँ पे हमारे सामने कुछ आर्टिकल लिखा मिलता है, मगर बीच में से आड गायब है। हम यहाँ से बैक चलते हैं, पहले से हमारा मोबाइल का जो सेटिंग था फिर हम उसको एनाबल करके देखते हैं, फिर से आड हमको दिखाई देता है या नहीं। हम यहाँ से सेटिंग ओपन कर लेते हैं। सेटिंग ओपन करके यहाँ पर सर्चिंग बार में फिर से सर्च करते हैं DNS, प्राइवेट DNS सिलेक्ट कर लेते हैं, देन प्राइवेट DNS सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेते हैं। प्राइवेट DNS पहले था, इसको ऑटोमेटिक करने के बाद फिर से हम बैक चलते हैं। बैक आके हम फिर से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से जो आड गया था हम उसको रिफ्रेश करने के बाद देखिए फिर से वो आड शो होने लग रहा है। देखिए, हमने क्या किया था ना, जो DNS को जो एनेबल किया था प्राइवेट DNS को, उसके बाद आड आना बंद हो गया था। जब हम उसको ऑटोमेटिक कर दिए फिर से आड आने लगा। दोस्तों, इस तरह से आप ये छोटा सा सेटिंग करके अपना मोबाइल स्क्रीन पे आड को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।